Hello students, today we start with the part 3 of lesson number 1, integers. In part 1, we saw what are the integer numbers and how can we draw number line. In part 2, we saw the different operations of addition, subtraction, division and multiplication. And in this part, we will learn about the addition properties. We start with the first property of addition, that is commutative property. As you can see in the image, a plus b is equal to b plus a. That means कि जब भी कोई दो integer numbers का हम addition करते हैं, तो उसका जो answer मिलता है, वो वही दो नंबर को हम आगे पीछे करके अगर फिर से उसका एडिशन करेंगे तो वो दोनों आंसर हमारे सेम होंगे. कैसे? तो जैसे कि आप एग्जांपल वन में देख सकते हैं, दो इंटीजर नंबर लिए हैं 4 और 2. तो ऑन द लेफ्ट साइड ए प्लस बी में आप देख सकते हैं, जैसे 4 + 2 किया है तो आंसर मिलता है +6. वही तरह आप ऑन दी राइट साइड देख सकते हैं कि वही दो नंबर को आगे पीछे कर दिया है और उसको बोला है b प्लस a. तो नंबर तो सेम ही है, सिर्फ आगे पीछे कर दिया है. तो 2 + 4, तो आंसर क्या मिलता है? 6. तो वो भी आंसर सेम है. सो इसकी हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि जब भी दो इंटीजर नंबर का एडिशन करते हैं तो उसका आंसर, अगर वो सेम इंटीजर नंबर को हम आगे पीछे करके भी एडिशन करेंगे तो वो सेम रहेगा. एक दूसरा एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल नंबर 2. उसमें दो नंबर लिए हैं, उसमें एक नंबर नेगेटिव नंबर है और एक नंबर पॉजिटिव नंबर है. तो जैसे कि आप ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द एग्जांपल नंबर 2 देख सकते हैं कि एक नंबर है -8 एंड दूसरा नंबर है +2. सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है? -8 एंड बी इज इक्वल टू +2. तो आंसर क्या मिलता है? 6. बट कैसा 6? -6, -6. क्यों? क्योंकि ये घर में सबसे बड़ा कौन है? 8. और 8 का साइन क्या है? माइनस. तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस. तो आंसर मिलता है हमें -6. अभी ये सेम नंबर को अगर हम आगे पीछे करके फिर से सॉल्व करते हैं तो ऑन द राइट साइड आप देख सकते हैं बी प्लस ए इज इक्वल टू 2 प्लस इन ब्रैकेट -8. -8 क्यों है? क्योंकि ए जो है वो नेगेटिव नंबर है, -8, इसलिए. तो उसका आंसर हमें मिलता है -6. तो फिर से ये सेम चीज़ हो गई कि जब भी हम दो इंटीजर नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो ही आंसर, अगर हम वो सेम इंटीजर नंबर को आगे पीछे करके ऐड करेंगे तो भी वो सेम रहेगा. अब हम देखते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो ये प्रॉपर्टी में क्या होता है? जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी. तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी तीन इंटीजर नंबर होते हैं और उसका एडिशन होता है तो जो नंबर्स होते हैं उनका अगर ब्रैकेट में चेंज हो जाता है फिर भी उसका आंसर सेम ही मिलेगा. कैसे? तो जैसे कि ऑन द लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कि तीन नंबर्स लिए हुए हैं +2, +4 और +5. तो इन ब्रैकेट +2, +4, +5 इज इक्वल टू, अभी ब्रैकेट में सबसे पहले 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6. एंड बाहर है हमारा +5. सो 6 + 5 इज इक्वल टू +11. ऑन द राइट साइड जैसे कि ब्रैकेट चेंज कर दिया है, लेफ्ट साइड में ए प्लस बी ब्रैकेट में थे, राइट साइड में बी प्लस सी को ब्रैकेट में कर दिया है, तो उसका आंसर कैसे मिलेगा? तो 2 + (4 + 5). तो ब्रैकेट पहले तो हम ओपन कर लेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले 5 + 4, तो क्या हो जाएगा? +9. सो 9 + 2 इज इक्वल टू 11. तो
ये भी हमें क्या पता चला यहाँ से कि जब भी तीन इंटीजर नंबर होते हैं और उसमें भी जब भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं तभी भी हमको जो आंसर मिलते हैं वो होता है सेम। तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें जीरो का रोल मेन है। कैसे? तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स कि अगर कोई भी नंबर है वो नंबर में हम जीरो ऐड करेंगे तो हमको जो भी आंसर मिलेगा वो जो ए है वही होगा। दैट मीन्स कि कोई भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो जो नंबर है वही आंसर रहेगा। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। 6 में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल है 18 प्लस 0 इज इक्वल टू 18। सेम 18 में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 18। इसी तरह अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसमें भी हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर में हमको जो नेगेटिव नंबर है वही मिलेगा। ये तो बट ऑब्वियस है ना कि कोई भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो जो नंबर है वही मिलेगा। तो सपोज कि हम -12 है उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो आंसर भी मुझे क्या मिलेगा? -12। अब हम देखते हैं रिपीटेड एडिशन। ये रिपीटेड एडिशन कोई प्रॉपर्टी नहीं है बट जस्ट फॉर क्लैरिटी अगर हम कोई एक नंबर है उसका रिपीटेडली एडिशन होता है, एडिशन फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स उसका एडिशन होता है तो उसका आंसर ढूंढने की एक सिंपल ट्रिक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ पे हमारा नंबर कौन सा है? 2। ओके, और वो कितनी बार उसका एडिशन हो रहा है काउंट करिए तो कितनी बार? 4 बार। तो अगर हमको इसका सिंपली आंसर ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? जो हमारा नंबर है वो इनटू वो नंबर जितनी बार ऐड होता है वो। तो ये नंबर यहाँ पे कितनी बार ऐड होता है? 4 टाइम्स। तो 2 इंटू 4, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अभी हम यही आंसर को प्लस करके देखेंगे तो कैसे? तो 2 प्लस 2 कितने होते हैं? 4। 4 प्लस 2 6 एंड 6 प्लस 2 8। तो हो गया ना, दोनों के आंसर सेम हैं। तो ये सम को अगर हम जल्दी से सॉल्व करना चाहें तो ये एडिशन इतनी बार करें उससे बेटर है कि हम वही नंबर को वो नंबर जितनी बार एडिशन है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ तक तो हमने सारी एडिशन प्रॉपर्टीज देख ली। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देखते हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं इमेज में, -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस डैश। तो हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी देखी थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या था? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे वही फंडा आएगा, ए है मेरा -5 एंड बी है -8। सो सामने क्या हो जाएगा? बी प्लस ए। तो जो बाकी जो डैश है वहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। तो ए क्या है? सबसे पहला -5। तो मेरे आंसर में क्या हो जाएगा? -5। दूसरा एग्जाम्पल है 13 प्लस -12 इन ब्रैकेट, ये 13 प्लस -12 ब्रैकेट में है, प्लस डैश इज इक्वल टू 13 प्लस इन ब्रैकेट -12 प्लस 7। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है? ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। तो उसमें क्या था? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी। तो यहाँ पे ए क्या है? 13, बी क्या है? -12 एंड सी है वो हमें ढूंढना है। तो वही सी मुझे कहाँ से मिल जाएगा? उसकी दूसरी साइड से। तो दूसरी साइड क्या है? 13 प्लस 12 -12
प्लस माइनस सेवन, सो माइनस सेवन है वो है मेरा सी, तो ऊपर जो ब्लैंक स्पेस है उसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू माइनस सेवन। थर्ड है वो है माइनस 53 प्लस डैश इज इक्वल टू माइनस 53, तो ये किसका एग्जांपल है, एडिटिव इनवर्स का, तो उसमें क्या था एडिटिव आइडेंटिटी में ज़ीरो वाला, कोई भी जो नंबर है उसमें अगर हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 53 प्लस डैश इज इक्वल टू माइनस 53, तो आंसर में क्या मिल रहा है, सेम नंबर, तो उसमें क्या ऐड करेंगे, बट ऑब्वियस है ज़ीरो। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और दे देती हूँ, से फॉर एग्जांपल 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू डैश, तो 3 को कितनी बार प्लस किया है, 4 टाइम्स, तो उसका आंसर हम कैसे ढूंढेंगे, आइदर हम 3 3 3 ऐसे 4 बार काउंट कर लेंगे, और एल्स हम क्या करेंगे, मैंने क्या सिखाया था, 3 इंटू कितनी बार प्लस हो रहा है, 3 4 बार, तो 3 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12।